गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो। आज मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगी, जिसे आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको बीमारियां बहुत ही कम होंगी। पहला टिप्स जो ये है दोस्तों, कि आप जितना पानी पी सके एक दिन में उतना पानी पीजिए। और अगर आप देखा क्या जाता है कि हम इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में दोस्तों, कि पूरे एक दिन में हम एक या दो ग्लास ही पानी पी पाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते अपने ऊपर। और पानी की कमी से हमारे लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी आंत सिकुड़ने लगती है और हमारी जो स्किन है वो डेड सी नज़र आने लगती है, ना उसमें कोई चमक होती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो कोशिश करें आप दिन में कम से कम 15 लीटर या 20 लीटर पानी पिए एक दिन में। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आप खुद देखेंगे कि आपको अपनी बॉडी में एनर्जी सा फील होगा हर टाइम। आपको आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपको किसी भी फेशियल की, कहीं भी कुछ भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप कितने भी बिजी हों अपनी लाइफ में, पर आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसलिए अगर आपका 7 बजे का ऑफिस है, तो आप 5 बजे उठ जाइए, आधे घंटे ही दोस्तों कम से कम ऐसी जगह जाइए जहाँ पेड़ पौधे हों, किसी पार्क में या फिर आपके घर के पास में ही कोई ऐसा जगह हो जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा, काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन हो, ऐसी जगह जाइए। वहाँ जा कर के आप मॉर्निंग वॉक करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चल भी नहीं सकते हैं तो सिंपली बस पैदल चलिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सुबह की जो फ्रेश ऑक्सीजन होता है वो आपके बॉडी में जाएगा, और इससे क्या होगा कि आप कई तरीके के बीमारियों से बच जाएंगे। तीसरा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, हल्दी। हल्दी एक एंटीबायोटिक औषधि होती है, तो हल्दी को हम जब दूध पीते हैं दोस्तों, जब रात में हम दूध पीते हैं, उसमें हम जब दूध को बॉयल करते हैं तो उसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें। अगर हम हल्दी वाला दूध पीते हैं तो हमारी स्किन तो फेयर होगी, हमारी स्किन में ग्लो तो आएगा ही, इसके साथ साथ हम कई बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। जैसे हमारे हड्डियों में दर्द हो रहा हो, या फिर हमारे पेट में कीड़े हों, या फिर हमारी जो आंत है वो ठीक से खाना नहीं पचा पा रही हो, तो हल्दी एक बहुत ही गुणकारी औषधि होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।